हाई एवरी वन दिस इज़ विरोनिका आज का टॉपिक है हमारा हिमाचल पे कि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमाचल में कम स्नोफॉल हो रही है ये क्या ये एक क्लाइमेट चेंज का साइन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टू क्या कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पर ट्विटर मेल कहीं पर भी पी लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए स्टडी आई के पास कोर्सेज स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे अवेलेबल हैं जैसे हिमाचल प्रदेश पी एस सी कोर्स एस का कोर्स एस SI का कोर्स हिमाचल प्रदेश जी के हिमाचल प्रदेश टी काफ़ी कोर्सेज़ ई पे भी अवेलेबल हैं अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे नीचे नंबर्स दिए हैं उन पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उत्तराखंड पे कि उत्तराखंड में हमने बात की कि, कि किस तरह से कम बारिश हो रही है फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ज़्यादा बारिश के क्या रीज़न्स हैं कहीं ना कहीं हमको क्लाइमेट चेंज नज़र आती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसके पीछे नज़र आती हैं अब इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की भी स्टडी हुई ये जो हिल स्टेट है हिमाचल प्रदेश की ग्रेजुअली uh, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो स्नोफॉल है स्नो है वो कम होती जा रही है अगर हम उसको लास्ट दस सालों से कंपेयर करते हैं और जो एरिया है अंडर स्नो वो भी डिक्रीज़ हो रहा है एक तो स्नो कम हो रही है दैट इज़ वन थिंग दूसरा एरिया जो स्नो के अंडर है वो भी डिक्रीज़ होता जा रहा है अब इन्वामेंटलिस्ट ने अलार्म किया है हिमाचल प्रदेश को लेसर स्नोफॉल क्योंकि एक अच्छी बात नहीं है तो इसी का थोड़ा सा एनालिसिस हम करेंगे अब इस स्टडी में क्या पाया गया कि ये जो रिसेंट स्टडी है किसने कंडक्ट की जॉइंटली कंडक्ट की गई है स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद इन्होंने क्या यूज़ किया है एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर्स यूज़ किए हैं सैटेलाइट डेटा यूज़ किया गया है जहाँ पे जो मेजर रिवर बेसनस हैं जैसे कि सतलुज हो गया रावी हो गया चिनाब हो गया ब्यास हो गया इनको स्टडी किया गया है सैटेलाइट डेटा इन इन रिवर्स के जो बेसन्स का निकाला गया है और यहाँ पे देखा गया कि ओवरऑल डिक्रीज एरिया में अगर आप देखेंगे तो 18.5 परसेंट का है अंडर स्नो 2021 विंटर्स की बात की जा रही है और कंपेयर किया जा रहा है उसको एक साल पहले 2019-20 के विंटर्स से कि स्नो में एरिया में उनको 18.5 परसेंट डिक्लाइन जो है वो नज़र आया है मैप में आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है इस एरिया की हम बात कर रहे हैं इंडिया की अब एवरेज स्नो uh, स्नोफ़ॉल डेटा जो अवेलेबल है हमारे पास 2010 से लेकर 2014 2015 16 का स्पेशियल एक्सटेंड सीजनल स्नो कवर तो इतना डेटा हमारा अवेलेबल है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं और तब से उसको कंपेयर करके देखा जा रहा है कि हर साल जो एनालिसिस है स्नोफॉल ट्रेंड का वो ये दिखाता है बाय एंड लार्ज एक नेगेटिव ट्रेंड हमको नजर आता है नेगेटिव ट्रेंड का मतलब है रिड्यूसिंग ट्रेंड कम होता हुआ ट्रेंड लास्ट दस सालों में कोई एकद साल का फर्क हो सकता है बट अदरवाइज एक रिड्यूसिंग ट्रेंड हमको स्नोफॉल में नज़र आता है रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि ग्रेजुअल यानी ग्रेजुअल हो गया स्लो स्लो शिफ्ट है स्नोफॉल के अक्रंस पैटर्न में भी क्योंकि एक पैटर्न रहता है आपको पता है कौन से महीने में सर्दी होनी है कौन से महीने में गर्मी होनी है कौन से महीने में बर्फ़ पड़ेगी राइट right? ऑलरेडी हमको ये चीज़ें पता होती है तो इस पैटर्न में भी कुछ शिफ्ट हमको नज़र आ रहा है स्नोफॉल पीक विंटर जब हमारा पीक विंटर का टाइम जब माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ठंड होगी तो वो पीक विंटर आपकी रिड्यूज़ हो रही है थोड़ा सा और लेट विंटर मंथ्स या अर्ली समर मंथ्स की तरफ जा रही है आप समझ सकते हो कि विंटर शिफ्ट हो रही है आगे की तरफ है ना क्योंकि यहाँ पे जो पीक विंटर आपका मंथ होता था या टाइम होता था कम हो रहा है और दूसरा शिफ्ट हो रहा है लेट विंटर्स की तरफ या फिर आप अर्ली समर मंथ्स की बात कर सकते हो तो यही मैं बता बता रही हूँ आपको कि हम हमेशा अंदाजा लगा देते थे कि ये महीना है अब ठंड शुरू होगी लेकिन अब लेट हो रहा है सब कुछ क्योंकि पैटर्न्स जो है स्नोफॉल के रेनफॉल के वो शिफ्ट हो रहे हैं स्टडी पॉइंट ये भी दिखाती है कि यहाँ पे पॉइंट आउट करती है कि देर हैज़ बिन ओवरऑल डिक्रीज इन द एरिया अंडर स्नो जो एरिया है जो स्नो के अंडर आता है 2021 में वो भी कम हो गया है अक्टूबर से मई के बीच में जो एरिया स्टडी किया गया है कि रिवर बेसिन पे चिनाब बेसिन में 9% और ब्यास बेसिन में 19% डिक्रीज हमको देखने को मिला है रवि और सतलुज वेसेंस की बात करें तो 23 परसेंट लेस स्नो एरिया है अगर हम उसको 2019-20 से कंपेयर करते हैं ओवरऑल डिक्रीज इस एरिया में जो रिकॉर्ड किया गया है अबाउट ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अलग अलग एरिया का बता दिया किसी का कितना परसेंट किसी का 23 परसेंट ओवरऑल आप देखेंगे तो एटीन है टू थाउजेंड की विंटर्स को अगर हम टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी के विंटर्स से कंपेयर करते हैं एक तिहाई हिस्सा जो है जोग्राफिकल एरिया का वो अंडर थक स्नो कवर रहता है विंटर सीजन में वहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ़ जमी रहती है बहुत सारे आपके रिवर्स हैं जैसे कि चिनाब ब्यास पार्वती बस बासपिति रवि सतलुज और इसके जो पेरिनियल ट्रैब्यूटरीज़ है पेरिनियल ट्रैब्यूटरीज कौन सी हुई जिनमें साल भर पानी रहता है वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और डिपेंड करता है सीजनल स्नो कवर पे कि उनका डिस्चार्ज डिपेंडेबिलिटी कितनी होगी क्योंकि पानी वो अपना सोर्स कहाँ से लेते हैं हिमालय से अब स्नो कवर जो पूरा रहता है उसका क्या बेनिफिट होता है इससे जो एक्यूमलेशन है या एबलेशन पैटर्न है ग्लेशिएट रीजन्स का वो थोड़ा कंट्रोल रहता है और इम्पॉर्टेंस ऑफ सीजनल स्नो कवर एज अ मेजर इनपुट इन कंट्रोलिंग हाइड्रोलॉजी ऑफ द बेसिन जो पानी है पानी का पूरा सिस्टम है हाइड्रोलॉजी है वो आपका मेंटेन रहता है और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देखेंगे अलग अलग रिवर बेसेंस को पानी फीड हो रहा है विंटर सीजन में तो ये सब आपका स्नो कवर से फ़ायदा होता है ओवरऑल आपके समर्स भी बैलेंस हो जाते हैं आपका इको भी बैलेंस रहता है इन्वायरमेंट भी बैलेंस रहता है कि पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है इन्वायरमेंट का वो बैलेंस रहता है स्नो की वजह से लेकिन अभी ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न हमको क्या नज़र आ रहा है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है uh, और जो uh, आपके हिमालयन हैं ये जो आपके हिमालयन रीजन्स की हम बात करें यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज हो रहा है देन पेनसुलियर रीजन्स तो मतलब हाइट्स पे ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्लेन्स से भी कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ये भी ये ऑब्जर्व किया गया लास्ट कुछ सालों में और एवरेज रिलेटिवली मोर मॉइस्चर इज़ बीइंग कैरीड टूवर्ड्स हिमालय तो हिमालयस की तरफ ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके हवाएं लेके जा रही हैं तो ये ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न आपका बन चुका है एवरेज टेम्परेचर राइज इन द रीजन इज़ फास्टर देन द पेनिसुलर अब पेनिसुलर और प्लेन से कंपेयर करेंगे तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपको नजर आएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज जल्दी हो रहा है जो कि एक अच्छा साइन नहीं है बट फॉर स्नोफॉल टू अकर द टेम्परेचर नीड्स टू ड्रॉप टू सब जीरो लेवल अगर आप किसी एरिया में चाहते हैं कि बर्फ पड़े तो वहाँ पे टेम्परेचर एटलीस्ट सब जीरो लेवल पर तो जाना चाहिए ताकि वहाँ पर इनफ मॉइस्चर रहे दैट सो दर इज इन्फ मॉइस्चर द स्नोफॉल इज डिक्लाइनिंग एज द टेम्परेचर हैज़ बिन राइजिंग तो मतलब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर कहीं पर टेम्परेचर कम होगा तभी बर्फ़ गिरेगी अब बर्फ गिरने की जो डिक्रीज़ हमको दिख रहा है कि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा कैरी होके जा रहा है और उससे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे बर्फ़ उन एरियाज़ में पड़ नहीं रही बर्फ़ बन नहीं रही तो ये प्रॉब्लम आपको ग्लोबल पैटर्न और इनफैक्ट हिमाचल में भी यही रीज़न आपको नज़र आएगा कि इस बर्फ बर्फबारी कम हो रही है क्लाइमेट पैटर्न ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे पूरा चेंज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं कि मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में क्लाइमेट वाले में बताती हूँ तो ये तो आप आंखें बंद करके लिख दीजिए कुछ पॉइंट डिफॉरिस्ट्रेशन बिकॉज वो हो रही है नो डाउट एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटीज़ रिसेंटली भुवनेश्वर तमिलनाडु रेड डेजर्ट के आसपास वाले एरिया की हमने डिस्कस की थी तो हमने देखा था लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं और एक एरिया की ओर हमने बात की थी यस yes, केरला की कि केरला में भी इस तरह से डेवलपमेंट का वर्क कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है जैसे इन्वायरमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कंस्ट्रक्शन भी आप आंखें बंद करके एक पॉइंट लिख सकते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में कि हम बिना इन्वायरमेंट को बैलेंस किए बिना उसका इन्वायरमेंट असेसमेंट किए पर कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसका ये सब रीजन हो रहा है जिसकी वजह से ये सारे क्लाइमेट पैटर्न चेंजेस हमको नजर आ रहे हैं फिर आप अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज ही हैं ये माइनिंग हो गई आपकी जिस तरह से भुवनेश्वर का हमने पढ़ा या तमिलनाडु का पढ़ा अनरेगुलेटेड माइनिंग एक्टिविटीज है जिन लोगों को लाइसेंस जिन कंपनी को लाइसेंस मिला है वो करें इट्स ओके लेकिन वहाँ पर इलीगल माइनर्स इतने बैठे हैं कि गवर्नमेंट को पता होते हुए भी उनके नाक के नीचे काम चल रहा है तो ये सब रीजंस हैं आपके जो स्लोली क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये जो फैक्टर्स हैं ये अभी तो आपको बहुत छोटे नजर आएंगे लोकल लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे जब हर जगह के ये फैक्टर्स ऐड होंगे तो आप समझ लीजिए टिकिंग बॉम्ब हम लोग तैयार कर रहे हैं जो फटेगा एक दिन क्लाइमेट चेंज आई रिपोर्ट इज कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी इस तरह के आर्टिकल्स आप देखते रहते हैं और पॉसिबिलिटी भी है कि अर्ली टू में ही हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हम चाहते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़े वो बढ़ जाए तो ये एक रिमाइंडर भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रूशियल एक रेड फ्लैग है हमारे लिए कि ग्लोबल टेम्परेचर्स ऑलरेडी वन पॉइंट वाइव वन डिग्री ऑलमोस्ट सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम से इंक्रीज़ हो चुके हैं और वन पॉइंट फाइव जाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मे बी टू थाउजेंड थर्टी फोर्टी तक ही हम ये क्रॉस कर जाएँ ये बैरियर मानसून में भी आपने इस बार देखा कितनी चेंजेस आई हैं इंडिया में रिपोर्टिस हीट वेव्स ह्यूमड हीट स्ट्रेस ज़्यादा इंटेंस रहा फ्लड्स देखे आपने मानसून प्रेसिपिटेशन जब 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 हमने एक्सपेक्ट की उनमें हमने चेंजेस देखे एनुअल समर मानसून प्रेसिपिटेशन में हीट एक्सट्रीम्स इंक्रीज हुए हैं और कोल्ड एक्सट्रीम्स डिक्रीज हुए हैं हीट यानी बढ़ रही है और कोल्ड आपकी डिक्रीज हो रही है और कमिंग डिकेड्स में भी ये ट्रेंड्स जो हैं वो चलते रहेंगे तो अब हमने काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट को लेकर जैसे उत्तराखंड पे स्टडी किया केरला पे स्टडी किया भुवनेश्वर पे स्टडी किया तमिलनाडु पे किया और ये हिमाचल प्रदेश पे हम कर रहे हैं कैसे कैसे रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन रीजंस हैं ह्यूमन रीजंस के साथ जब नेचुरल रीजंस भी मिल जाते हैं तो ये चेंजेस हमको नज़र आते हैं अब आपके सामने क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज़ कम्पेयर टू द अदर थ्री सैन डेजर्ट पैडी क्रॉप लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो पेरिरी लैंड तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में राइट right आंसर क्या है या फिर आप टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट करके राइट right आंसर देख लीजिए बाकी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट जो हमारा चल रहा है मंथ एंड पे देख लीजिए आप कॉल करके सारी डिटेल्स इसके बारे में ले सकते हैं वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू सो मच